बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। सर, कोरोना की तीसरी लहर आ गई है, आपको क्या लगता है चुनाव रहना चाहिए, होना चाहिए समय पर ही, आगे बढ़ा देना चाहिए? कल बैठक चुनाव आयोग ने लिया, मालिक चुनाव आयोग है, हम लोगों की तरफ से जो प्रस्ताव गया कि भाई सर्वदलीय बैठक में ये तय कर लिया जाए कि चुनाव हो ना हो, सबके सुझाव ले लिया और उसके बाद चुनाव आयोग ने आज फैसला कर दिया कि चुनाव समय पर होंगे और हम कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी हम कराएंगे। जो यहाँ 3 अक्टूबर को किसानों के साथ हिंसा हुई थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि सबसे पहले तो अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए, जब तक वो बर्खास्त नहीं होगा तब तक न्याय नहीं मिलेगा। दूसरी चीज कि वहीं पर अगर आप देखिए, कोई गरीब कमजोर अगर 151 में हो जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस एक्शन में आ जाती है, लेकिन इनकी इस सरकार में जाति चिन्ह करके कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले अगर योगी जी को हम अगर बताएं तो सबसे पहले शपथ लेते ही हरिशंकर तिवारी के ऊपर टूट पड़े क्योंकि ब्राह्मण थे, उसके बाद टूट पड़े भारत समाचार के पंडित जी पर, विजय मिश्रा पर, उसके बाद देखिए भदोही में विजय मिश्रा बावन थे, वहाँ टूट पड़े, 500 बावनों का इनकाउंटर करा दिया। इतना बड़ा आरोप लगा है गृह राज्य मंत्री को, उसके बाद भी उनको ब्राह्मण का सर्वे सर्वा बोल दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण वोट देने के लिए तैयार नहीं है, पिछड़ा वोट देने के लिए तैयार नहीं है। परसों जेपी नड्डा ने मीटिंग लिया था पूरे उत्तर प्रदेश के भाजपा के ब्राह्मणों को जुटाया, उन्होंने कहा कि खुल के बताओ, तो लोग खुल के कहे कि योगी के नेतृत्व में 50 सीट भी नहीं जीतने जा रहे हैं, कहता कौन जीत रहा, कहा अखिलेश जीत रहे हैं। वहाँ दिल्ली में लोगों ने कहा इस बात को, पगला गए हैं। अब बताइए, योगी जी के कट्टर दुश्मन गोरखपुर के राज्यसभा सांसद, उनको जिम्मेदारी मिली है कि ब्राह्मण का वोट दिलवाओ, नहीं तो विदाई तय है। कुछ लोगों का कहना, सर लास्ट सवाल, कुछ लोगों का कहना है कि बेटे की सजा पिता को क्यों? पहले 302 के अपराधी वो है जमानत पर है, 120B में अगर बेटा ने काम किया है, अगर 120B में बाप का भी नाम आता है तो उसकी भी गिरफ्तारी होती है।